एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत ही शैतान हाथी रहता था। वह सबको बहुत परेशान करता था। जो भी जानवर उसके पास आता, वह उसको अपने पैरों से दबाकर मार देता। हाथी जंगल से गुजर रहा था तो उसने पेड़ पर चिड़िया का घोंसला देखा। घोंसले में चिड़िया ने अंडे दिए थे। हाथी ने गुस्से में उस टहनी को ही तोड़ दिया। चिड़िया के सारे अंडे फूट गए। चिड़िया को बहुत दुख हुआ। उसने हाथी को सबक सिखाने की सोची। चिड़िया अपने दोस्त कठफोड़वा के पास गई और उसने सारी बात कठफोड़वा को बताई। कठफोड़वा ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कठफोड़वा ने अपने दोस्त मधुमक्खी और मेढक को बुलाया और उनसे मदद मांगी। सबने मिलकर एक योजना तैयार करी। अगले दिन जैसे ही हाथी जंगल से गुजर रहा था, मधुमक्खी ने हाथी के कान में जोर से काटा। जैसे ही वह दर्द से चीखा, तब तक जल्दी से आकर कठफोड़वा ने हाथी की आंख फोड़ दी। अब हाथी पानी ढूंढने लगा। हाथी कुछ देख नहीं पा रहा था। कुछ आगे चलकर हाथी को मेंढक की आवाज सुनाई दी। उसको लगा कि यहाँ पानी है। जैसे ही हाथी आगे बढ़ा, वह पहाड़ी से गिर गया और मर गया। चिड़िया बहुत खुश हुई, उसका बदला पूरा हो गया। ये कहानी हमको यही बताती है कि बुरे का नतीजा बुरा ही होता है।